हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 को। यह आपका झारखंड संबंधित ज्ञान का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहीं लेटेस्ट क्वेश्चन को इसमें स्टडी किए करेंगे। वहीं इसके अलावा इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, जो है आपका कि झारखंड में हाथियों को बचाने के लिए कितने एलिफेंट रिकॉर्ड्स चिन्हित किए गए हैं, बताइए। तो जी हाँ, इसके लिए आप को पहले समझिए। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि भारतीय वन जीव संस्थान ने देश भर में हाथियों की गतिविधियों के आधार पर मुआयना करने के बाद जो है वो आपका एलिफेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि झारखंड राज्य में टोटल 17 एलिफेंट रिकॉर्ड्स, यानी देश भर में लगभग 150 एलिफेंट रिकॉर्ड्स जो है वो चिन्हित किए गए हैं। झारखंड में कितना है? 17 है। पूरे देश में कितना है? तो वह है आपका 115 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग द्वारा राज्य के 3 पर्यटक स्थलों को विकसित करने की योजना है, जिसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे टोटल 3 पर्यटक स्थल जो शामिल है वो है आपके दमला वन्य अभयारण्य, हजारीबाग का कनरी हिल और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका शामिल नहीं है वो है आपका लावालौंग वन जीव अभयारण्य, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के द्वारा झारखंड में कितने नए सोने की खानों की पुष्टि की गई है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें आप याद लिखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के द्वारा जो है वो झारखंड में टोटल 5 नए सोने की खान की पुष्टि की गई है, जिसमें से आपका ये खाने जो है आपके रांची, खूंटी और सरायकेला से मिले हैं ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 ना, माफ़ कीजिएगा, इसमें 5 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कट करके इसमें 5 कर देते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो जी हाँ, अगर झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला की बात करते हैं तो वो है आपका पलामू। पलामू जो है वो यहाँ पर टोटल 24.25% जो है वो सिंचाई होती है ना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका पलामू। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश में बृहद जलाशयों का मापन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के कितने जलाशयों को शामिल किया गया है, बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा टोटल 6 जलाशय को इसमें जो है वो आपका शामिल किया गया है ना। वहीं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड की किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास जो है वो आपका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो करवाया गया था, और यह सिंचाई योजना जो है आपका झारखंड राज्य के देवघर और जामताड़ा जिले के अंतर्गत आता है। देवघर और जामताड़ा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है, बताइए इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि इसके अध्यक्ष जो है वो आपके ग्राम के का मुखिया होता है ना, कौन होता है? ग्राम का मुखिया, ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि झारखंड राज्य का लगभग कितनी कृषि योग्य भूमि अम्लीय है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो झारखंड में लगभग 1,00,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जो है वो आपका अम्लीय है, जिसका pH मान 5.5 से भी कम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1,00,000 हेक्टेयर ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत ईचा बांध का संबंध किस जिले से है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत खरकई नदी पर जो है वो आपका ईचा बांध का संबंध सरायकेला खरसावां वो आपका पश्चिमी सिंहभूम से है। किससे है? सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार द्वारा PDS प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड सरकार के खाद्य जन वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा PDS प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी
उपलब्धता हेतु आहार नामक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। क्या किया गया है? ऑप्शन बी आहार नामक पोर्टल शुरू किया गया है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में मड़ुआ फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो जी हाँ, मड़ुआ उत्पादन की बात करते हैं तो मड़ुआ उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा रांची ज़िले में होती है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क निम्न में से किस स्थान पर है? तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो आपका रांची में स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में बांध संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने स्फूर्ति योजना के तहत जो है वो रांची जिले में बांध संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन डी रांची ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का एकमात्र जिला का 1% जहां पिछली वन रिपोर्ट 2019 से नकारात्मक या सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई है, मतलब किसी भी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ है, वो 2019 से लेकर 21 तक स्थिर है, तो वो है आपका 18.68%, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड की जलवायु अयोध्या प्रसाद को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए। तो जी हाँ, तो इसमें आप याद रखिए कि अयोध्या प्रकाश द्वारा झारखंड की जलवायु को 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका है महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, तीव्र व सूखद प्रकार और शीत वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार और सागर प्रभावी प्रकार। इस तरह से टोटल कितने भागों में? इसको 7 भागों में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांटा गया है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका शिलान्यास किस वर्ष किया गया है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण जो है वो किया गया है, जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। इस बांध का शिलान्यास जो है वो आपका लेस्टर बी पियर्सन, यानी कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री हैं ये, द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 ईस्वी में किया गया था ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जलीय स्रोतों से आच्छादित है? बताइए। तो जी हाँ, जो जलीय स्रोतों से आच्छादित है वो है आपका 2%, याद रखिए कितना प्रतिशत है, 2% है ना। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य का दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, झारखंड का दूसरा न्यूनतम जिला जो है वो है आपका लोहरदगा। पहले नंबर पे कौन सा आता है? वो है आपका रामगढ़। रामगढ़ जो है वो आपका 1341 वर्ग किलोमीटर है, वहीं लोहरदगा जो है वो आपका 1502 वर्ग किलोमीटर और पाकुड़ जो है वो आपका 1801 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका लोहरदगा। अगर क्षेत्रफल में इसकी बात की जाए तो वह है आपका 1502 वर्ग किलोमीटर ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में सर्वप्रथम किस वर्ष संथाली रचनाकार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वर्ष झारखंड में वर्ष 2005 में सर्वप्रथम भावना कविता संग्रह रचना के लिए जादूमणि बेसरा को मिला था। कब मिला था? 2005 को किसे मिला था? जादूमणि बेसरा को मिला था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका मिलान करें। यहाँ पे आपका नदी और उसका उपनाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग नदी और उसके उपनाम की बात करते हैं तो एक लाइन से देखिए, दामोदर नदी जो है उसे बेसिकली झारखंड का राइन नदी कहा जाता है। वहीं आपका पुनपुन नदी को क्या बोला जाता है? तो जी हाँ, पुनपुन नदी को कौकट के नाम से जाना जाता है। वहीं सकरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है और फल्गु नदी को अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे से आप देखें तो डी का 2 होगा यहाँ पे। अगर डी का 2 अगर आपको अच्छे से याद है तब भी इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जिसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, जिसके लेखक है, बताइए इसके लेखक कौन है? तो जी हाँ, अगर इसके लेखक की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसके लेखक जो है ना वो आपके जॉन हॉफमैन है। कौन है? तो जॉन हॉफमैन, ऑप्शन इसका डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने
1951 में जो है वो इसकी रचना की थी, याद रखिएगा इन्होंने कब इसकी रचना की थी, तो वो है आपका 1951 में की थी ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। तो जी हाँ, अगर झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा की बात करते हैं तो देखिए झारखंड का प्राथमिक राजकीय भाषा तो आपका हिंदी है, इसके अलावा आपका द्वितीय भाषा जो है टोटल 16 द्वितीय भाषाएँ इसमें सम्मिलित है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मुंडारी भाषा का कौन सा रूप रांची व आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो मुंडारी भाषा का केर मुंडारी रूप जो है ना वो आपका रांची और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है, केर मुंडारी, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस चित्रकला में स्त्री और पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसे हम लोग इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में पढ़े थे, तो वो होता है आपका कोहबर चित्रकला, जिसे 2020 में GI टैग मिला था, याद रखिएगा। कब मिला था GI टैग, तो 2020 में मिला था। किसको मिला था, तो कोहबर चित्रकला को मिला था ना। इसमें क्या होता है कि सिक्की यानी देवी का चित्रण तथा स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण जो है वो किया जाता है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोहबर चित्रकला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नूनबिल मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग नूनबिल मेला की बात करते हैं तो आपका नूनबिल मेला जो है वो आपका पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख मेला होता है, जिसका आयोजन जो है आपका दुमका में मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दुमका में। कब किया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर। किसका ये प्रमुख मेला है, तो वह है आपका पहाड़िया जनजाति का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पाटो सरना पूजा पर्व निम्न में से किस जनजाति में किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग पाटो सरना पर्व की बात करते हैं तो यह आपका खड़िया जनजाति में किया जाता है, किस जनजाति में, खड़िया जनजाति में ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध एवं सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु बजाया जाता है, जिसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका हो जाएगा धमसा होता है, जिसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दसाए पतवार रीजा डाटा डहारा मतवार डैश आदि, यहाँ पे आदि हो गया या आदि होगा ना, आदि किस जनजाति का लोकगीत है, बताइए किस जनजाति का लोकगीत है। तो जी हाँ, इसको याद रखिए कि ये सारे जो है ना वो आपके संथाल जनजाति के गीत है ना, किस जनजाति के, संथाल जनजाति के। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराकर नदी पर बना बाल पहाड़िया बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखिए कि बराकर नदी पर बना बाल पहाड़िया बांध जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिले के 1959 में स्थापित किया गया था ना। कहाँ पे, गिरिडीह जिले में। कब स्थापित किया गया था, 1959 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल बेरोजगारी दर लगभग था, बताइए कितना था। तो जी हाँ, अगर बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो झारखंड में बेरोजगारी जो था वो आपका 22-23 के अनुसार जो है वो आपका 3.4% था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है, बताइए कहाँ पे है। तो जी हाँ, कोयले की सबसे बड़ी खान जो है ना वो आपका झरिया में है, कहाँ है, झरिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ब्लू डॉट लो एक्स झारखंड राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ब्लू डॉट लो एक्स जो है वो आपका झारखंड राज्य के हातुजोला पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। यहाँ पे आपके पास हातुजोला नहीं, सिर्फ पूर्वी सिंहभूम दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पूर्वी सिंहभूम ना जो दे करके आपका क्या दे देगा, हातुजोला दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत राज्य में कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया था, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि इसमें टोटल 22 जिलों को जो है ना आपका सूखा घोषित किया गया था, याद रखिएगा ना कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत जो है वो राज्य में टोटल 22 राज्यों को सूखा घोषित किया गया था। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति के तहत चयनित बच्चों को सालाना कितने रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं से लेकर के 12वीं तक के चयनित बच्चों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य का कुल GSDP भारत के कुल GDP का लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि ये आपका भारत के कुल GDP का लगभग 1.6% है ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में राज्य कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना स्कीम OPS लागू की है, जिसके लिए वर्ष 2023-24 में कितने रुपए का बजटीय प्रस्ताव है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसके बजटीय प्रस्ताव की बात करते हैं, टोटल आपका 700 करोड़ रुपए का बजटीय प्रस्ताव जो है वो रखा गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कुल लोकसभा सांसद सदस्यों में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। तो देखिए, इसमें टोटल भारत के कुल लोकसभा सांसदों में महिला सांसदों की संख्या जो है वो मात्र 2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर ना देने की अपील की, बताइए। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि भागीरथ मांझी का संबंध जो है वो आपका खरवार आंदोलन से था। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि भागीरथ मांझी का संबंध जो है किस आंदोलन से था, तो वो है आपका खरवार आंदोलन से था, जिन्होंने 1874 में यह आंदोलन प्रारंभ किया था और इन्होंने स्वयं को जो है वो बौंसी गाँव का राजा घोषित किया था, लेकिन 1875 में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी याद रखिए कि भागीरथ मांझी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो वह है आपका 1875 में। इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वह है आपका खरवार आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी, 1874 में की थी ना। 1875 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस गांव का राजा इन्होंने खुद को घोषित किया था वो था आपका बैंसी गांव ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सोना सोवरण धोती साड़ी वितरण योजना के तहत एक वर्ष में कितने बार इसका वितरण किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, इसका वितरण जो है वो एक साल में सिर्फ 2 बार किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस स्थान में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई है। तो जी हाँ, अगर हम लोग वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा जो है वो खोली गई है। और इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। किसने, शाह मोहम्मद हुसैन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना लेट के हम सामान्य अध्ययन के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है आपका कि उचित मिलान करें। देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपके पास संस्था दिया हुआ, उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ, आपको बताना है कि इसमें कूट के अनुसार कौन सा सही हुआ था। देखिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सेवा सदन। अगर सेवा सदन की बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो है वो आपके बहराम जी मालाबारी हैं। वहीं दूसरा आपके पास दिया हुआ है पूनम सेवा सदन। अगर पूनम सेवा सदन की बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो है वो आपके रामाबाई रानाडे हैं। सेवा समिति के संस्थापक जो है वो आपके हृदयनाथ कुंजरू हैं। और आपका सेवा समिति वाइज स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक जो है वो आपके श्री राम वाजपेयी हैं। आ जाइए कूट पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कूट के अनुसार आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है। तो देखिए, इसमें से जो पुस्तक आपका महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है वो है आपका इंडिया ए नेशन। इंडिया ए नेशन नामक पुस्तक जो है वो आपका किसने लिखी है, तो ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से गलत को चिन्हित कीजिए। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से जो कथन है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, गलत कथन के लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर यहाँ नीचे डी में। अगर यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो यहाँ पे दिया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, इन्होंने नहीं की थी। इसकी स्थापना जो है वो आपका आचार्य नरेंद्र देव और आपके जय प्रकाश नारायण ने मुंबई 1934 में की थी, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे 2 कथन दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो देखिए, सही कथन जो है आपका वो है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन जो है वो आपका नई दिल्ली में किया गया। तो हाँ जी, बिल्कुल किया गया है, ये आपका सही है। इसका आयोजन भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो जी नहीं, इनके द्वारा नहीं किया गया। दैट मीन्स केवल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था, बताइए। तो जी हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में बात करते हैं तो इसमें याद रखिए कि विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों का अध्ययन किया गया है, जिसमें पहला स्थान जो है आपका सिंगापुर का है और 131वां स्थान जो है वो आपका भारत का है, याद रखिएगा ना। टोटल 184 में से भारत का स्थान
स्थान जो है वो आपका 131वां है, वहीं पहला स्थान जो है वो आपका सिंगापुर का है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो है आपके टीवी सोमनाथन समिति। टीवी सोमनाथन समिति जो है वो आपके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष बने, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो जी हाँ वो व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है आपके रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, पहला आपके पास दिया हुआ है कि महिला जूनियर एशियाई कप हॉकी 2023 का खिताब भारतीय टीम ने जीता था, तो जी हाँ बिल्कुल जीता था। वहीं पुरुष जूनियर एशियाई कप हॉकी 2023 का खिताब भारत टीम ने जीता था, तो हाँ जी बिल्कुल जीता था। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन जो है इसके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से गलत को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग गलत कथन की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसमें से गलत कथन जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, कि इसका उद्देश्य वर्ष 2006 रोग यानी टीबी का उन्मूलन से सहयोग प्रदान करना है। तो जी नहीं, आपका यहाँ पे 2000 नहीं बल्कि ये लक्ष्य जो था वो आपका 2025 तक का था, कि टीबी का उन्मूलन जो है वो आपका 2025 तक करने का लक्ष्य है। वहीं वन वर्ल्ड टीबी समिति 2023 का उद्घाटन जो है वो आपका वाराणसी में किया गया है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू किया जा रहा है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी जिले में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को सीमित करते हुए हरित आवरण का बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है वो शुरू किया जा रहा है ना, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री की बैठक जो है वो आपका 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसका आयोजन जो है आपका चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई में, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपके पास कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम में 100% आएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इसमें दिया हुआ है। तो यकीन मानिए, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक ना दो क्वेश्चन आपका इस तरह का क्वेश्चन से, एक ना दो क्वेश्चन आपका मिलान से जरूर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया की निदेशक प्रीति अधालयम को नियुक्त किया गया है, ये कथन सही है, तो जी हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं सुनैना सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, तो जी नहीं वो नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है वो आपके डॉक्टर अरविंद पनघटिया है ना, इसलिए आपका ये कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत को चिन्हित करें। यहाँ पर अगर हम लोग असंगत की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर दिया हुआ है कि विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर लिपाची शैली का विकास किया गया, तो जी नहीं, याद रखिए कि विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर यहाँ पे यक्षिणी शैली का विकास जो है वो किया गया है, ना कि लिपाची का। किस शैली का? तो वह है आपका यक्षिणी शैली का ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक कहाँ मानते हैं, इसमें आप याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव को मानते हैं, याद रखिएगा ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग सही कथन की बात करते हैं तो पहला आपके पास दिया हुआ है कि ऋग्वेद में वरुण को पेय पदार्थ का देवता माना गया है, तो जी नहीं, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद में सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। वहीं ऋग्वेद में रुद्र शिव की उल्लेख मिलता है, तो जी हाँ ये आपका मिलता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविदास जिसे रैदास भी बोलते हैं को किसने संतों की उपमा दी है, बताइए। तो जी हाँ, इन्हें संतों की उपमा देने वाले जो है वो है आपके कबीर। कबीर
कबीर जी ने इन्हें संतों की उपमा जो है वो दी है, याद रखिएगा ना। वहीं इसमें याद रखिएगा कि रविदास और कबीर जो है वो आपके दोनों रामानंद के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? तो रामानंद के शिष्य हैं ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जीडीपी वाले राष्ट्रों का क्रम क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग सर्वाधिक जीडीपी का राष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास है यूएसए, जिसका जीडीपी जो है आपका 23.31% है। उसके बाद में चीन है, चीन आपका कितना पे है, आप ऑप्शन ए ही में देख सकते हैं, चीन आपका 17.73% पे। वहीं जापान 4.9% और जर्मनी जो है वो आपका 4.2%, और लास्ट में आपका भारत आता है 3.17%। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है। तो जी हाँ, अगर हम लोग लाइबेरिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि लाइबेरिया की राजधानी जो है वो आपका मेनरोविया में है। कहाँ है? मेनरोविया में है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न को मिलान करें। अगर मिलान करने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फल और उसके उत्पादक शिष्य राज्य दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा, आप सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है आम। आम जो होता है ना वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर आपका जो है महाराष्ट्र में होता है। संतरा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और पपीता जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका पीछे से डी का वन जो है सिर्फ एक में दिया हुआ है। अगर एक का भी आंसर आपको इस तरह से याद हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करने वाला कथन में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इसमें है कि इस सारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जी हाँ, किया गया। दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए इसमें आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय जो है वो आपका कीनिया के नैरोबी में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि कीनिया के नैरोबी में है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत को चुनिए। यहाँ पे आपका गलत कथन को चुन के बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका गलत है। अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि पृथ्वी आकार में छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। तो जी नहीं, ये आपका छठवां सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि फोटुला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग फोटुला दर्रा की बात करते हैं तो याद रखिए कि आपका फोटुला दर्रा जो है ना जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? जास्कर श्रेणी में स्थित है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताइए। तो जी हाँ, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आपका चिनाब नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो आपका 1180 किलोमीटर भारत में है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होते हैं, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में उल्लेखित है कि भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसे मतदान का भी अधिकार नहीं है, याद रखिएगा ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, अनुच्छेद 88, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपके पास दो कथन दिए, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। सही कथन की बात करते, देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास जो है वो किया जाएगा, ये कथन सही है। या फिर संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक देश से संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जी हाँ, आपका ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन आपका सत्य दिया हुआ है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजनीतिज्ञ एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें जिस समिति का गठन किया गया है NN बोहरा की समिति, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बोहरा समिति दिया हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है आपका NN बोहरा की अध्यक्षता में समिति का गठन जो है वो किया गया है। NN बोहरा हो जाएगा यहाँ पे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधित किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा
कि इसमें आपका हो जाएगा 103वां 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि झारखंड के प्रथम मंत्रिपरिषद के सदस्यों में मुख्यमंत्री को छोड़कर वर्तमान तक कितने सदस्य झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग झारखंड के कुल मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वह है आपके ऑप्शन डी, चार, चार मुख्यमंत्री बने, है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है या फिर दोनों सही है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पहला कथन आपके पास दिया है कि झारखंड धाम मंदिर को हरिहर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे हरिहर नाथ की जगह पे आपके पास होना चाहिए था हरिहर धाम मंदिर ना, तो ये आपका इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे हरिहर नाथ की जगह पे होना चाहिए था हरिहर धाम। वही नेक्स्ट है कि झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह जिले में स्थित है, तो जी हाँ, ये गिरिडीह जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सिर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से सही का चयन करें। यहाँ पे अगर हम लोग सही कथन की बात करते हैं तो इसमें से सही कथन आपका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि झारखंड एक भू आवेष्टित राज्य है ना, ये झारखंड जो हमारा क्या है, भू आवेष्टित राज्य है। चलिए अगर इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठार को ना पाट कहलाता है या फिर पाट कहते हैं ना। वहीं झारखंड राज्य की आकृति जो है वो आपका चतुर्भुजाकार है, साथ ही साथ झारखंड की सीमा जो है वो आपका 5 राज्यों, बिहार हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है ना। तो इस तरह से आपका सामान्य अध्ययन से टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नया लेट के हम लोग आते हैं सामान्य विज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका के निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपके पास दो कथन दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। चलिए हम लोग एक लाइन से समझते हैं। अगर पहला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भूप्रपटि में पाए जाने वाले सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं, जी हाँ बिल्कुल मिलते हैं। वहीं जीव उत्तकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैव अणु कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए और बी दोनों जो है आपका सही हो जाएगा, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथन में से कौन सा जीवों में अनुवांशिक सूचनाओं का संवाहक होता है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें आपका समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि वो होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो जीवों में अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो इसे पैतृक पीढ़ी से संतति में आगे बढ़ाते हैं। वहीं किसी भी जैव उत्तकों के अविलय अंश में वृहद अणु मिलते हैं और उसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका न्यूक्लिक अम्ल। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सा जीवों में अनुवांशिक सूचनाओं का संवाहक होता है, बताइए। तो जी हाँ, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन ऊपर से लिखा गया, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए था कोशिका भित्ति के संबंध में निम्न में कथन पर विचार करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो गया है ना, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिखा गया। मैं आपको पीडीएफ जब दूंगी ना तो पीडीएफ में इस क्वेश्चन को सुधार के दूंगी, ठीक है। तो देखिए, आपके पास पहला कथन दिया हुआ है कवक एवं पौधों की जीव द्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहर पाई जाने वाली दीर्घ निर्जीव संरचना होती है, बिल्कुल होती है। वहीं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं प्रोटीन की बनी होती है, हाँ जी बिल्कुल बनी होती है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मानव शरीर के किस कोशिकांक में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिड रेडिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका राइबोसोम ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास भाग है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास वाला भाग बोलते हैं तो वो होता है आपका अग्र मस्तिष्क, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क के कौन से भाग में स्मरण क्षमता होती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जी हाँ याद रखिएगा कि वो है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसमें स्मरण क्षमता जो है वो होती है, याद रखिए। सेरेब्रम जो है इसे पर मस्तिष्क भी बोला जाता है, जो आपका मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा मानव मस्तिष्क की सभी जटिल क्रियाओं जैसे स्मरण हो गया, संवेदी हो गया, सहभागिता एवं संपर्क सूत्र आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर
क्लॉक की तरह कार्य करता है, बताइए तो। जी हाँ, आप याद रखिएगा कि वो आपका होता है हाइपोथैलेसम। हाइपोथैलेसम जो होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में मास्टर क्लॉक की तरह जो है वो कार्य करता है। वहीं आपका हाइपोथैलेमस में कई केंद्रक होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण भी जो है वो करते हैं। इसमें कई स्रावी कोशिका भी होती है जो बेसिकली लाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती है ना, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव नेत्र में प्रकाश ग्राही कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि मानव नेत्र में प्रकाश ग्राही कोशिकाएँ जो है वो आपका रेटिना यानी दृष्टि पटल पर पाई जाती है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, बताइए तो। जी हाँ, जो इसमें आपका कार्बन का अपरूप नहीं है वो है आपका ऑक्सोकार्बन। ऑक्सोकार्बन जो है वो आपका अपरूप नहीं है। वहीं ऑक्सोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है, याद रखिएगा। दैट मीन्स का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सोकार्बन ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से क्या जल से हल्का होता है, बताइए। आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सोडियम का अपेक्षित घनत्व जो होता है ना वो आपका 0.97 होता है। जल में हल्का होने के कारण यह जल पर तैरता रहता है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वो है आपका सोडियम ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो आपका विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था ना, माफ कीजिएगा यहाँ पे हार्वे का स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हार्वे होना चाहिए था ना, ठीक है, कि हार्वे के द्वारा जो है वो किया गया है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं, तो जी हाँ, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में जो है ना आपका भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन जो है वो होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है, तो देखिए अगर हम लोग तापमान के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका फॉरेनहाइट हो गया जिसे एफ से डिनोट करते हैं, केल्विन जिसे के से डिनोट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस जिसे सी से डिनोट करते हैं। तीनों जो होता है ना वो आपका तापमान का मात्रक होता है, याद रखिएगा। इसमें आपका केल्विन जो है वो आपका तापमान का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, केल्विन होता है ना। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन बी, केल्विन होता है, ठीक है। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि पश्चमावी पेशियां यानी कि सिलेरी मसल्स के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा इसके द्वारा जो है वो आपका जरा दृष्टिदोष जो है वो उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संचारण के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, देखिए संचारण के संदर्भ में दिया हुआ आपको बताना है। तो जी हाँ, अगर संचारण के संदर्भ में कहते हैं तो आप पहले देखिए कि दिया हुआ क्या है कि कुछ दिन वायु में खुले छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर स्लाइड के बनने के कारण होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। वहीं वायु में खुले रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट से बनने के कारण होता है, तो हाँ जी बिल्कुल होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन जो है आपके सही हैं। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसमें आपका क्या होता है कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित यानी मुड़ता जो रंग है वो है आपका बैंगनी रंग, याद रखिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन है। वहीं याद रखिएगा इसमें कि आपका लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग जो है वो आपका सबसे कम विक्षेपित होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है, सबसे कम कौन सा होता है, तो वह है आपका लाल रंग होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला आपके पास है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, बिल्कुल सही बात है। वहीं नेक्स्ट आपके पास कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो बिल्कुल होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन जो है वो आपके सही दिए हुए हैं ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है ना वो आपका तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और इसमें एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात
पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश जो है वह आपका निरंतर अपवर्तित होते रहता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्राकृतिक होती है, बताइए क्या होती है। तो जी हाँ, सिद्धांत के अनुसार जो है वह आपका ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान होती है ना। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है कि ना तो ये आपका कण के समान होता है और ना ही आपका तरंग के समान होता है ना। वही इसका नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपर्युक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग घटना या फिर नियम की बात करते हैं तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो है वो आपके दो चीज़ होते हैं। पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपका क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। साथ ही साथ परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। वहीं उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ दर्पण अपने पर मुड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका प्रकाश का परावर्तन से ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि कौन सा विंडोज सर्वर संस्करण क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित है और इसमें नैनो सर्वर और कंटेनर समर्थन जैसी सुविधाएं शामिल है, बताइए वो कौन सा है। तो जी हाँ, इसमें याद रखिए कि ये है आपका विंडोज सर्वर 2016 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग विंडोज टास्क मैनेजर के प्रथम कार्य की बात करते हैं तो इसका प्रथम कार्य जो है कि चल रही प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों की निगरानी और प्रबंधन करने के लिए इसका यूज़ जो है वो बेसिकली किया जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ में फाइल कंप्रेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो जी हाँ, विंडोज़ में फाइल कंप्रेशन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आपका होता है भंडारण दक्षता के लिए फाइल का आकार कम करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित यानी डिजाइन किया, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा तो ये आपका समरेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा जो है वो आपका वर्ष 1953 में भारतीय सांख्यिकी संस्था में भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आपका निर्मित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारण उपकरण यानी कि डाटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका द्वितीय भंडारण का एक उदाहरण है ना, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ होता है, तो जी हाँ, नेटवर्क में WPP का अर्थ जो है वो आपका होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में नीबल को क्या कहा जाता है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि कंप्यूटर शब्दावली में नीबल को आधा बाइट भी कहा जाता है यानी चार बिट्स के समूह को एक नीबल कहा जाता है, याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका आधा बाइट ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन को उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक लिपि है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडो कोड। स्यूडो कोड वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन को उपयोग करते हुए कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन जो है वो किया जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने तथा इसे पावर प्रदान करने की प्रक्रिया है, बताइए क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो जी हाँ, इसे बूटिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस 365 में शेयर पॉइंट ऑनलाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो जी हाँ, ऑफिस 365 में शेयर पॉइंट ऑनलाइन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आपका होता है दस्तावेजों और फाइलों को संग्रहित करना और साझा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वन नोट सुविधा उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सहयोग करने और दूसरों द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखने की अनुमति देती है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो आपका होता है वन नोट नोटबुक शेयरिंग होता है ना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते
हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ जो है वो आपका होता है कि वे पूरे दस्तावेज में लगातार स्वरूपन सुनिश्चित करते हैं ना, ये इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी पावर पॉइंट सुविधा आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देती है कि प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड कैसे बदलती है, जैसे कि स्लाइड ट्रांजिशन। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वो आपका होता है स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प, इसके थ्रू जो है आप इसे बदल सकते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा ऑफिस एप्लीकेशन क्विक एक्सेस टूल बार प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड को कस्टमाइज करने और जोड़ने की अनुमति देता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वो आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एआई में ट्रांसफर लर्निंग शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो जी हाँ, आप याद रखिए कि एआई में ट्रांसफर लर्निंग शब्द का मतलब जो है वो आपका होता है नई संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, वो आपका होता है MITI डिवाइस होता है ना। चलिए, वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसका एक व्यवहारिक उपयोग जो है वो आपका है कि आपका जटिल अनुकूलन समस्याओं का समाधान करना, इसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस क्वांटम एल्गोरिदम में असतत लघुगणक समस्या और पूर्णांक गुणनखंडों को कुशलतापूर्वक हल करके क्रिप्टोग्राफी में क्रांति लाने की क्षमता है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वो आपका होता है सोर का एल्गोरिथम, क्या होता है सोर का एल्गोरिथम होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वांटम कंप्यूटिंग में मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड रणनीति का लक्ष्य क्या हासिल करना है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो आपका है कि लचीलेपन और अतिरेक के लिए कई क्लाउड प्रदाताओं का लाभ उठाना, ये इसका लक्ष्य है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डाटा नैतिकता और जिम्मेदार AI में मुख्य विचार क्या है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि डाटा नैतिकता और जिम्मेदार AI में मुख्य विचार है कि डाटा प्रबंधन और निक्षेपण पारदर्शिता और गोपनीयता, ये इसका जो है मुख्य विचार है ना, याद रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग जो है कंप्यूटर के ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 5 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है और हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 5 पे ही इसे क्लोज करते हैं। हम लोगों का टारगेट जितना था उतना तो माफ कीजिएगा नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ ये सारा का लिंक जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यानी कि PDF का लिंक आप टेलीग्राम चैनल पे स्टडी कर सकते हैं। वहां से आप सारे PDF को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से उसे सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, तो उसके नीचे हर PDF के नीचे आपका उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जहां से आप वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।